रेडी स्टार्ट। आजकल अवसाद शब्द चलन में है, विराम कहीं भी और किसी भी व्यक्ति के हाव भाव को देखकर यह शब्द प्रयोग में लाया जाता है, विराम। अगर कोई व्यक्ति किसी कारणवश गुस्से से भर जाता है और गाली गलौज करने लगता है तो उसका बचाव करने वाले लोग कहते हैं कि यह व्यक्ति वैसे तो बहुत अच्छा है लेकिन उसकी कहीं नौकरी नहीं लग रही है, इसलिए बेचारा अवसाद से गुजर रहा है, विराम। इस वजह से गुस्से में कई बार कुछ ज़्यादा ही बोल जाता है। मैं सोचती हूँ कि क्या यह सफाई या स्पष्टीकरण सुनकर वे लोग चुप बैठ जाएंगे जिन्हें अवसाद से ग्रस्त व्यक्ति ने कोई अपशब्द कहे हों। शायद नहीं, विराम। आमतौर पर ऐसा होता है कि दूसरे लोग भी जैसे को तैसा का रास्ता अपनाते हुए उसी की भाषा में जवाब दे डालते हैं, या हो सकता है कि कुछ लोग उसकी तरफ सहानुभूति का रुख अपनाते हुए उसकी बातों पर ध्यान नहीं दें, विराम। पैरा। कुछ दशक पहले अभिभावक अपने बच्चों को सुख दुख के बारे में समझाते हुए अच्छी शिक्षा देते थे कि सुख और दुख मन के भाव होते हैं, विराम। आपके मन को जो अच्छा लगे, अनुकूल लगे, आनंददायी लगे वह सुख होता है और आपको जो कष्टप्रद लगे, प्रतिकूल लगे और इच्छा के विपरीत लगे वह दुख होता है, विराम। जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं, विराम। इससे मन को विचलित नहीं होने देना चाहिए, विराम। सुख के समय आनंद तारीख में यह नहीं भूलना चाहिए कि यह समय ऐसा ही यथावत रहेगा, विराम। इसी तरह दुख की घड़ी में भी यह नहीं भूलना चाहिए कि यह दुखद समय हमेशा ऐसा ही बना रहेगा, विराम। यह सोच मन को स्थिर बनाती है और मन में तनाव पैदा नहीं करती, विराम। पैरा। ऐसा नहीं है कि अवसाद या तनाव से मनुष्य ग्रस्त होता ही नहीं है, विराम। मन पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ने पर जब मस्तिष्क सुचारू ढंग से अपना काम करना बंद कर देता है तब यह अवसाद की स्थिति आती है, विराम। यह एक मानसिक बीमारी है, विराम। बीमारी इसलिए है कि हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता, विराम। किसी परीक्षा में बहुत से विद्यार्थी असफल भी हो जाते हैं लेकिन सभी पर इस असफलता का एक जैसा असर नहीं पड़ता, विराम। कुछ विद्यार्थी इस दुखदायी परिस्थिति को झेल लेते हैं और दोबारा परीक्षा की तैयारी में जुट जाते हैं, विराम। कुछ विद्यार्थी यह सोचकर कि इस विषय में सफल होना उनकी क्षमता के बाहर है किसी अन्य विषय की परीक्षा की
तैयारी में लग जाते हैं विराम, लेकिन कुछ परीक्षा परिणाम की असफलता को जीवन की असफलता समझकर इतने दुखी हो जाते हैं कि अवसाद या तनाव की स्थिति में पहुंच जाते हैं विराम पैरा। इस तरह तनाव में आने के बाद वे गुमसुम से हो जाते हैं या किसी नशे को अपनाकर अपना दुख भुलाने की नाकाम सी कोशिश करते हैं, जो गलत है विराम। इनके दिमाग में नकारात्मकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है विराम। ऐसे व्यक्ति सामने आने वाले हर किसी को नकारात्मकता की दृष्टि से ही देखते हैं विराम। इनके खान पान में एकदम से फर्क आ जाता है विराम। या तो ऐसे व्यक्ति बहुत कम खाना खाते हैं या बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना शुरू कर देते हैं विराम। खाद्य पदार्थों के स्वाद की तरफ से भी इनका ध्यान हट जाता है विराम।